बढ़ेंगे आगे खबर भोपाल से, जहां बागेश्वर धाम और गौरी शंकर बिसेन का विवाद अब गर्मा गया है। भोपाल में अब पीसी करेंगे गौरी शंकर बिसेन और बागेश्वर दरबार के मंच पर बिसेन के साथ बदसलूकी की गई थी। बागेश्वर के बाउंसर के साथ बिसेन का विवाद हुआ था और बागेश्वर के दरबार को लेकर अब सियासत भी गर्माती हुई नजर आ रही है। तो बालाघाट के परसवाड़ा में ये दरबार चल रहा है। तो भोपाल से बड़ी खबर, बागेश्वर धाम और गौरीशंकर बिसेन के बीच जो विवाद रहा था अब वो गर्माता हुआ नजर आ रहा है। तो ये देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जब बदसलूकी की गई थी बागेश्वर दरबार के मंच की तस्वीर बिसेन के साथ, जहां पर बदसलूकी की जाती है और बागेश्वर के बाउंसर के साथ बिसेन का ये पूरा विवाद हुआ था और साथ ही साथ बागेश्वर का जो दरबार लगा है उसको लेकर भी सियासत गर्माई हुई है। तो चलिए इस पूरे मामले पर गौरीशंकर बिसेन का क्या कुछ कहना है ये आपको सुनवाते हैं। आप कार्यक्रम में गए थे लेकिन किसी कारणों से जा नहीं पाए। देखिए मैं कार्यक्रम का आयोजक हूँ, रामकिशोर जी कावरे और हमने मिलकर किस कार्यक्रम को की रचना रखी। जब वो उनका दिव्य रूप होता है गुरुदेव का, शास्त्री जी का, उस समय में मंच के सामने बड़ा समूह एकत्रित हो जाता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको प्रेत बाधा इत्यादि होती है तो लोग झूमने भी लगते हैं। तो एक तौर से ऐसे समय में भीड़ का बढ़ना सामान्य सी बात है और उस समय में जब वो उनका दिव्य रूप होता है वो सामान्यतः उसमें एकाग्रता चाहते हैं। इसकी जानकारी मुझे नहीं थी और मैं जब मंच की ओर गया तो उनके गनमैन ने हमें तो नहीं बोला, हमारे गनमैन से कहा कि भाई अभी थोड़ी देर रुक जाए, तो हम थोड़ी देर रुक गए। उसके बाद में हम मंच पे गए। कोई घटना ऐसी नहीं घटी जिसके बारे में जो अखबार में आ रहा है या टीवी में चल रहा है वो उसको बढ़ाने की और आवश्यकता है, कहने की आवश्यकता है। इस मामले का ये प्रत्यापेक्ष मैं करता हूँ और जो भी मामले मीडिया में आ रहे हैं उसका मैं पुरजोर खंडन करता हूँ। सर आप कह रहे हैं कि पार्टी में एक तो चलिए इस पूरे मामले पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का क्या कुछ कहना है ये भी आपको सुनवाते हैं। उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है, बीजेपी में इस समय कोई एक दूसरे को सहन नहीं कर पा रहा है। उस सब की परिणति है कि बीजेपी के मंत्री या पूर्व मंत्री के परिवारों को मंच पे नहीं जाने दिया और ये केवल उनको साध कर, जो गुरुजन हैं महात्मा हैं उनको साध कर ये अपना बेड़ा पार करना चाहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई आशीर्वाद इनको वहां से भी मिलने वाला नहीं। हमारे साथ जुड़ गए सीधा उनका रुख करेंगे। सूरज देखिए लग रहा था कि मामला सुलझ जाएगा लेकिन विवाद तो अब गर्माता जा रहा है। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से परसवाड़ा में अधीनंद शास्त्री कथा का आयोजन किया गया था उसमें खासतौर से जो वीडियो सामने आ रहा है पूर्व कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन उनकी बेटी मौसमी सिंह है वो कहीं कहीं नाराजगी जताती हुई नजर आ रही, कैसे उन्हें मंच पर नहीं जाने दिया। हालांकि गौरीशंकर बिसेन का कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है, जब दिव्य दरबार लगता है तब कहीं ना कहीं बहुत भीड़ होती है और ऐसे में कहीं ना कहीं सुरक्षाकर्मी अंदर जाने से रोकते हैं। लेकिन इस मामले में अब सियासत नजर आने लगी है और लगातार अब कांग्रेस सवाल उठा रही है कि देखिए किस तरीके से पहले गौरगिल चंबल में विवाद नेताओं के बीच में उठा, बुंदेलखंड में और अब खासतौर से बालाघाट में से तस्वीरें सामने आ रही हैं कि एक पूर्व मंत्री के परिवार को कथा में नहीं जाने दिया। ये कहीं ना कहीं क्षेत्रीय नेताओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई है जो अब जनता के बीच खुलकर सामने आने लगी है। हालांकि पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन साफ तौर पर यही कहते नजर आ रहे हैं कि नाराजगी नहीं थी, जब दिव्य दरबार होता है तो लोगों को नहीं जाने दिया और वही तस्वीर वहां पर भी थी। हालांकि इस मामले को लेकर अब सियासत बढ़ने लगी है, देखना होगा कि आगे आने वाले समय में यह घटनाक्रम और जो मसला है और आगे कहां तक जाता है। ऋतु तो चलिए देखने वाली बात होगी कि मसला क्या कुछ मोड़ लेता है, नजर बनाए रखिएगा। सूरज आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो देखिए बागेश्वर धाम और गौरीशंकर बिसेन के बीच जो पूरा विवाद का मामला था ये शांत होता हुआ नहीं दिख रहा है और इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी गौरीशंकर बिसेन की तरफ से की जाएगी। अब बागेश्वर दरबार के मंच पर जब बिसेन पहुंचे थे तब उनके साथ बदसलूकी की गई थी बाउंसर की तरफ से और बता देना उसको।